छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड ग्राम पंचायत सुलेसा में गरीबों के जुलाई माह का राशन गायब करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार सुलेसा निवासी लेदीबाई और सुदोबाई ने बगीचा अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनको जुलाई माह में अपने राशन कार्ड का राशन नहीं मिला है। दोनों हितग्राही ने स्थानीय राशन विक्रेता रमाशंकर यादव एवं उप सरपंच श्यामलाल यादव के नाम शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि उप सरपंच श्यामलाल यादव ने आशोवती बाई एवं सुखदेव राम को घर जाकर धमकी भी दी थी। वहीं उप सरपंच द्वारा पंचायत बैठक में चावल गबन करने की बात भी स्वीकार की गई है। लोगों ने बताया कि राशन के इस हेरफेर की शिकायत पूर्व में क्षेत्र के सांसद को भी दी जा चुकी है और 26 अक्टूबर को इस विषय को लेकर बगीचा अनुविभागीय अधिकारी रोहित व्यास को भी इस मामले के बारे में अवगत कराया गया था, जिसमें बगीचा एसडीएम रोहित व्यास ने फूड इंस्पेक्टर अंजना राव को जांच करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है और ना ही गरीबों को राशन मिला है। लोगों ने प्रशासन से इस मामले के बारे में जांच करने की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ से संवाददाता प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। पाँच दिन सुता रही का कर सुबह पुता सब रोत रहे भूखे चावल फिर आपकी जई रही एक महीना कर केवल एक महीना कर दी है वहाँ ले हमके चावल डाल खेदे और हमारे रानी हुली में करीब करीब किसी को नहीं मिला है दो माह। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।